शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद द्वारा विभिन्न आयोजनों की प्रगति के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी ने सांसद को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 31 मई 2023 तक 38,292 अकुशल श्रमिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए मानव दिवस सर्जन के माह मई 2023 तक के लक्ष्य 5.4 लाख के सापेक्ष 7.49 लाख मानव दिवस का सर्जन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने हर घर जल योजना के तहत सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त योजना के कार्य की प्रगति का निरंतर स्थलीय निरीक्षण करते रहें तथा कमियों को समय से दूर करें। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत संबंधित अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह के विभिन्न कार्यों के बारे में सांसद को विस्तृत जानकारी दी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी ने बताया कि उक्त योजना में 483 लाभार्थियों को सेवा आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बैठक में मौजूद उन जन प्रतिनिधियों द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन अनुरक्षणाधीन कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें तथा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण निरंतर करते रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों ने सांसद को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,256 आवासों की स्वीकृति हुई, जिसमें 720 आवास पूर्ण हो गए तथा शेष कार्य पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगर निगम से संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए महानगर मुरादाबाद में ऐसे वार्डों में जहां व्यक्तिगत शौचालयों की कमी हो के दृष्टिगत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मत आदि का कार्य कराया गया है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालयों में कुल सीटों की संख्या 88 है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संबंधित अधिकारी ने सांसद को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में शासन स्तर से जनपद मुरादाबाद को 12,783 शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 2,497 शौचालय की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। माननीय विधायक जी का और सभी माननीय समाहित अपने एमएलसी साहबान का, जिला प्रमुख जी का और जो भी इस दिशा के आदरणीय सदस्यगण है, आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं अपने अधिकारियों का भी स्वागत करता हूँ। आप सब लोग समय से इस बैठक में उपस्थित हैं। अब हम लोग अगर सर आप अनुमति दें तो एजेंडा के किक पॉइंट चर्चा शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मनरेगा है, तो इसमें हम चाहेंगे कि बीटी साहब, जिस पर सांसद ने कहा कि शौचालयों के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक करें तथा संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि सर्वे कराकर यह सुनिश्चित कराएं कि शौचालयों का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए ना हो। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामों में भी अब डोर टू डोर कलेक्शन तथा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सांसद ने जल निगम के अधिकारी को निर्देशित किया है कि जल जीवन मिशन शहरी में चल रहे कार्यों में कौशिक की जाए कि लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो तथा अधिकारी निरंतर स्थलीय निरीक्षण करते रहें। बैठक में सांसद ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय रहते पहुंच सके। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी जन प्रतिनिधि गण को अवगत कराया कि प्रमुख मंत्री राहत कोष योजना के तहत दिल्ली रोड स्थित TMU को नामित किया गया है, जिसमें गरीबों को उपचार हेतु सहायता मिल सकेगी। देखिए, इसमें हमारी दिशा की बैठक थी, इसमें PM आवास योजना, PM ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन योजना, समस्त योजनाओं की समीक्षा बैठक थी कि कितना कार्य हो रहा है, कितना कार्य हो चुका है। फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है फिस्कल ईयर का 23-24 का, तो ये था कि इस फर्स्ट क्वार्टर में हमने कितने प्रतिशत काम कर लिया है, कितना अभी हमें और करना है, कहाँ कहाँ हमें जनप्रतिनिधियों के साथ मिल के कैसे एक प्रशासन और राजनैतिक रूप से समन्वय बिठा के हमें प्रशासन के साथ मिलके ये सारे कार्य करने हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई है, किस प्रकार हम मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के लिए जो हम कागज़ों में कह रहे हैं कैसे उस परिकल्पना को हमें धरातल पे लाना है,
उसके लिए बात चल रही। कितना संतुष्ट दिखाई दिया आपके सारे हम काफी संतुष्टि है। थोड़ी बहुत एक दो मुद्दे तो होते ही हैं, क्योंकि जब हम क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में अब बारिश का मौसम आने वाला है, स्मार्ट सिटी योजना की वजह से, पेयजल योजना की वजह से, कहीं गैस लाइन की योजना की वजह से जगह जगह थोड़ा सड़कों पे खुदाव हुआ हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब उन गड्ढों में पानी भरेगा तो समाज के व्यक्ति आके अपने नेता से ही कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता है कि कैसे ना कैसे करके अभी बारिश के मौसम में फर्दर गड्ढे ना खोदे जाएं, जो गड्ढे हो गए हैं उन पे कुछ ना कुछ लेपन वगैरह कर दिया जाए, जिससे आम जनता को परेशानी भी ना हो और योजनाओं के भी कार्यान्वयन में कोई दिक्कत ना आए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजान, विधान परिषद सदस्य जयपाल सिंह व्यस्त कांठ से, विधानसभा सदस्य कमाल अख्तर कुरंदकी से, विधानसभा सदस्य जिला उर रहमान ठाकुर द्वारा से, विधानसभा सदस्य नवाब जान खां, जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, नगर आयुक्त संजय चौहान, परियोजना निदेशक सतीश प्रकाश मिश्र सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण व अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। देखिए, ये दिशा की बैठक होती है सांसद की अध्यक्षता के अंदर। इसमें जनपद के अंदर जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, जो फैसिलिटीज जनता को दी जा रही है, उसकी समीक्षा की जाती है। आज हमने सारी समीक्षा करी है, बिजली डिपार्टमेंट को छोड़कर। बिजली डिपार्टमेंट की हमने अलग से व्यवस्था करी है, 27 तारीख को उसकी मीटिंग होगी। हमारा लक्ष्य होता है कि जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जो सबसे पीछे खड़े हुए लोग होते हैं सरकार की योजनाओं का, उनको लाभ पहुंच जाए। उसी लिए इन लोगों से भी हम पूछताछ करते हैं और जहां कमियां होती हैं उसको भी सही किया जाता है और जहां अच्छाई होती है उसकी तारीफ भी की जाती है। कितना संतुष्ट दिखाई दिए आज की इस बैठक से? देखिए, यहां इस जनपद के अधिकारी हमारे कैप्टन डीएम साहब हैं और इनकी कैप्टनसी में हमें अधिकारियों से कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली, और जो छोटी मोटी शिकायतें हैं उसके लिए भी डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वो सही कर ली जाएंगी। देखिए, जिन्होंने अच्छे काम करे हैं वो तो अप्रिशिएट किया ही गया है, लेकिन हमारे डीएम साहब ने मुख्यमंत्री जी से कोई लिखा था कि मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों के लिए टीएमयू में इंतजाम कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा काम है गरीबों के लिए और मुख्यमंत्री जी ने टीएमयू को नामित कर दिया है। अब यहाँ के गरीब को इधर आधा टक्करें नहीं माननी पड़ेंगी, उसका फ्री इलाज मुख्यमंत्री राहत कोष से टीएमयू के अंदर हो जाएगा।